हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे रूबीनिया के एसिडिटी के जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में। तो आइए दोस्तों हम इसकी शुरुआत करते हैं। उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि भविष्य में इस तरह की जितनी भी आपको जानकारियाँ इस चैनल से आप तक पहुँचे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों रूबीनिया की जब हम बात करते हैं तो रूबीनिया का जो सबसे खास सिम्टम होता है कि हाइपर एसिडिटी, अम्लता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो। दोस्तों वैसी कंडीशन के लिए रूबीनिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। रूबीनिया का जो सबसे मुख्य लक्षण है दोस्तों कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है, खट्टी तीखी डकारें आती हैं। पेशेंट कुछ भी खाता है अगर फैटी चीज़ तो उसको पचाना मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों में भी अम्लता की शिकायत हो तो वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। ऐसी कंडीशन में जबकि बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो शरीर के अंदर में, इवन कंडीशन ये हो कि शरीर का जो मल होता है, स्टूल होता है, वो भी खट्टापन हो, इतना ज़्यादा एसिडिटी हो जाए तो वहाँ पे भी एक अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों पसीने में खट्टापन आने लगे तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। जब भी आप रूबीनिया के एसिडिटी के बारे में बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि एसिडिटी के साथ साथ में इसमें सिर में दर्द भी होने लगता है पेशेंट को। तो खट्टी डकार के साथ साथ में अम्लता के साथ में अगर सिर में दर्द हो तो रूबीनिया एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। दोस्तों बच्चों के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगे तो उनके लिए एक बेहतरीन दवा है रूबीनिया। इसके अलावा दोस्तों बार बार स्टूल का लगना, स्टूल में खट्टापन होना, कोई फैटी चीज़ खाने के बाद में सही से ना पचना, ये सारे सिम्टम्स इंगित करते हैं रूबीनिया की तरफ। इसको दोस्तों हम कंपेयर कर सकते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ में, कैमोमिला के साथ में, मैगफॉस के साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, उनमें भी सेम सिम्टम्स दोस्तों आपको मिलते हैं। जब भी पेशेंट को आपको लगे कि पेशेंट को कभी कभी उल्टी होती है, हरे रंग की उल्टी होती है, पित्त की उल्टी होती है, पेट में गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, तो इन सारे सिम्टम पे और साथ में जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं उन सारे सिम्टम्स को कैलकुलेट करने के बाद में आप वहाँ पे रूबीनिया देते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों इसका लगातार अगर आप सेवन करते हैं तो ये लंबे समय तक यूज़ करने के बाद में इस तरह की समस्या का जड़ से निदान कर देती है दोस्तों। और इसका जब भी दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है तो उसको 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी या मदर टिंचर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मदर टिंचर ज़्यादा यूज़फुल होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी मैं समझता हूँ कि आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। इस जानकारी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। चैनल पे नए दोस्तों तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए और साथ में अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।